वेलकम टू विजडम वर्ल्ड गाइस, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की, जिसको इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बोला जाता है और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ प्रियम्बल जो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens one justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, ये था आपके सामने जो भी मैंने अभी पढ़ा, ये था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो के इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसको एक तरह का हम ये भी बोल सकते हैं, इसमें क्या रखी गई है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी या इसेंस जो है वो इसमें में डाला गया प्रियम्बल में। इसीलिए इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था बाय एन ए पालखी वाला, जो एक एमिनेंट जूरिस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, इन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। तो ये प्रियम्बल है, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसके ऊपर बेस्ड है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिनको ड्राफ्ट और ड्राफ्ट किया गया था और लाया गया था पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उन उसी को अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस पे प्रियम्बल बेस्ड है। तो चलिए आप पहले प्रियम्बल्स के इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं कि इंग्रेडिएंट या इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, उसके लोगों से मिलती है। और नेचर ऑफ मतलब कि उसको अथॉरिटी जो है वो इंडिया के लोग ही उसको क्या दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं। देन इसके बाद नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसी है, ये बोलता है कि इंडिया जो है वो क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी है इंडिया की। ठीक है, इंडिया जो है वो सॉवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है और रिपब्लिक भी है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि स्पेसिफाई करना जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज अ ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे जो की वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे, तो फर्स्ट लाइन में जो की वर्ड्स हैं वो बताते हैं इंडिया की पॉलिटी के बारे में, इंडिया की नेचर कैसी होगी, नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कौन बताते हैं, ये जो आपके सामने रेड हाइलाइटेड हैं, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देन इसके बाद डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द 26th डे ऑफ नवंबर 1949। चलिए अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन की। सॉवरेन वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है, कि इंडिया जो है ना ही किसी की डिपेंडेंसी है, ना ही किसी का डोमिनियन है, ठीक है, बल्कि क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो अगर इंडिपेंडेंट स्टेट है तो उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी, वो अपनी चॉइस से कोई भी अपना मैटर जो है, अपने डिसीजन जो है वो ले सकता है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। और यहाँ तक कि इंडिया जो है वो किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, जहाँ पे सीड कर सकता है उसके पार्ट को अपने फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट, मतलब अपने किसी भी पार्ट को किसी दूसरी कंट्री को वो दे भी सकता है अपनी चॉइस से। देन सोशलिस्ट में क्या हम बोलते हैं, कि सोशलिस्ट जो वर्ड है ये ओरिजिनली मैंशनड नहीं था प्रियम्बल में, बल्कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मतलब इसमें हम बोलते हैं कि प्रियम्बल में बाद में तो ऐड किया गया, बट जो इसके प्रोविजंस हैं वो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे, जो किसकी फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा जो सोशलिस्ट पैटर्न था सोसाइटी का, ये एस्टेब्लिश भी अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जब इनका आवादी सेशन हुआ था, AVADA
अवधि सेशन जो हुआ था 1955 में, वहां पे इसको जो है अडॉप्ट भी किया गया था। अब देखो सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं ना, तो सोशलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, जिसको स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी रहती है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट होगी जहाँ पे स्टेट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट रहती है वो किसकी रहती है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर की रहती है, कि जो भी काम होगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर ही करेगा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो इंडिया जो है वो क्या, उसमें कौन सा डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म देखने को मिलता है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का यहाँ पे मकसद भी यही होता है कि पॉवर्टी हो गई उसको ख़त्म करना, इग्नोरेंस को, डिजीज़ को और इनइक्वालिटीज़ को क्या करना, ख़त्म करना, ठीक है। और ये बात किसने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही थी। तो इंडियन सोशलिज्म जो है इसको हम ये भी बात के चलते हैं कि मार्क्स का और गांधी का जो है, गांधीयन सोशलिज्म जो है उसका मिक्सचर है ये, तो ठीक है। हालांकि जो 1991 की लिबरेशन पॉलिसी आई थी उससे इसको हटाया गया था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने याद रखना है कि इंडियन जो सोशलिज्म है वो कौन सा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ब्लेंड है, मिक्सचर देखने को मिलता है मार्क्सिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म का। और ओरिजिनली मेंशन नहीं था इन, ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ DPSP था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने इसको प्रियम्बल में ऐड कर लिया। देन सेकुलर वर्ड जो है वो भी किससे ऐड हुआ था, ये भी ओरिजिनली मेंशन नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है, तब हमने इसको ऐड किया। तो सेकुलर के प्रोविजंस कहाँ पे रखे गए थे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से 25 से लेके 28 तक उसमें रखे गए थे। इसमें एक्चुअली में सेकुलरिज्म का वर्ड मेंशन क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सभी को है, बट इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी कि स्टेट का खुद का रिलीजन नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट बताता है सेकुलरिज्म का, ना कि नेगेटिव सेंस, डैट इज ऑल रिलीजन इन आर कंट्री हैज अ स्टेट सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, कि हर एक जितने भी रिलीजन होंगे उनको क्या मिलेगा, इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है, उनको इक्वल मान के चला जाएगा, स्टेट किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करेगा, स्टेट किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करेगा। अब स्टेट है कितने टाइप का, स्टेट तीन तरह का है, एस्थेटिक स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट एंड सेकुलर स्टेट। एस्थेटिक स्टेट किसको बोलेंगे, स्टेट इज एंटी रिलीजन एंड हेंस कंडेम्स ऑल रिलीजन, मतलब वो स्टेट्स जो रिलीजन को मानती ही नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथियस्टिक स्टेट बोलेंगे। और थियोक्रेटिक स्टेट किसको बोलेंगे, वो स्टेट होगी जो क्या होगी, प्रो रिलीजन होगी और अपनी किसी एक रिलीजन को अपना क्या बता देगी, वो खुद का स्टेट रिलीजन बता देगी, ठीक है। अब स्टेट जो है वो जो न्यूट्रल रहेगी रिलीजन के मैटर में उसको क्या कहा जाएगा, सेकुलर स्टेट कहा जाएगा। इसलिए इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि इंडिया के स्टेट का खुद का ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है, ठीक है। अब सेकुलरिज्म हमने जैसे बोला कि पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, तो इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट वर्ड इज द डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक जो है वो हमें प्रियम्बल में दिखाई दी जाती है कि सुप्रीम पावर यहाँ पे किसकी रहेगी, लोगों की रहेगी। अब डेमोक्रेटिक हमें कैसे मिलता है, अगर आप इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम देखें, डेमोक्रेसी देखें, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। देखो डेमोक्रेसी होती कितनी तरह की है, दो तरह की, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल, लोग जो हैं वो अपनी पावर्स को डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, और उसके लिए उनके पास चार डिवाइसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रेंडम की। रिफ्रेंडम क्या होता है, एक तरह का वो तरीका होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, जो प्रपोज लेजिस्लेशन जो होता है, जो लेजिस्लेशन बनाया जाएगा उसको इलेक्टोरेट को, यानी कि लोगों को सामने रखा जाता है और लोग उस पर क्या करते हैं, डायरेक्टली वोट करते हैं, उसको बोला जाता है रेफरेंडम। दूसरा होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव्स में क्या होता है, लोग जो है वो कोई बिल को प्रपोज करते हैं, किसको, लेजिस्लेचर को, कि आप क्या करो, इस तरीके का कोई बिल लेके आओ, फिर लेजिस्लेचर उस पर वही बिल लेते हैं, उसको बोला जाता है इनिशिएटिव्स। देन इसके बाद आता है रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है,
ये एक वो तरीका है कि जिसमें वोटर्स जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर ऑफिसर्स को जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको टाइम से पहले भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अगर ऑफिशियल्स क्या हों फेल हो जाए, जो लेजिस्लेचर फेल हो जाए अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्लेबिसाइट्स की। प्लेबिसाइट क्या होता है? एक तरह का मेथड होता है जो क्या लेता है, ओपिनियन लेता है इंडिया के लोगों का प्लेबिसाइट जो है एक तरह का मेथड है जिसमें ओपिनियंस लिए जाते हैं लोगों के, किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज होंगे, ठीक है। जनरली जब कब होता है, जब कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होता है तब प्लेबिसाइट लिया जाता है। तो जनरली लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ पे रहना चाहते हो या कहीं पे नहीं, तो उनके अकॉर्डिंगली जो है वो आगे डिसीजन लिया जाता है, डैट इज़ द प्लेबिसाइट। तो ये चार डिवाइसेस होती हैं जिनसे लोग जो है वो डायरेक्टली वोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको कौन चुन के लाता है, लोग उनको चुनते हैं वोट करके, ठीक है। अब ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो दो तरह की होती है, डैट इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ना कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेचर को अपनी सारी पॉलिसीज और एक्शंस के लिए। नेक्स्ट इज द रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है, ये बोलता है कि इंडिया का क्या होगा, इलेक्टेड हेड होगा। जो इलेक्टेड हेड है वो कौन होगा, हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट। और इसको क्या किया जाएगा, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, फिक्स पीरियड हो गया 5 ईयर्स का। और इसके साथ साथ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो रिपब्लिक का मतलब है उसमें दो चीज़ें आती हैं, डैट इज़ के पॉलिटिकल सॉवरेंटी किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है, ना कि किसी सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में। दूसरा ये बोलता है कि ये रोक लगाता है किसी प्रिविलेज्ड क्लास को या फिर सभी पब्लिक ऑफिशियल्स को, मतलब ये क्या बोलता है कि जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो सभी के लिए क्या हैं, खुले हैं, कि इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है वो किसी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर एक ऑफिस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस में क्या है, प्रीएम्बल बोलता है कि तीन तरह का जस्टिस हमने प्रोवाइड करवाना है, डैट इज द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो है इसमें बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए हैं इसको अचीव करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। आइडिया जो है जस्टिस का ये हमने लिया था रशियन रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी, 1917 में। तो सोशल जस्टिस क्या बोलता है कि इक्वल ट्रीटमेंट करना है हर एक सिटीजन के साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जो किसके ऊपर बेस्ड हो, कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि प्रिविलेजेस जो है वो हर एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं दी जाएगी, बल्कि इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी किसमें, बैकवर्ड क्लासेस में और वुमेन्स के लिए। इकोनॉमिक जस्टिस किसके बाद बोलता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए किसके बीच में, लोगों के बीच में, इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके। तो ये बोलता है कि जो इनइक्वालिटीज आती हैं, डैट इज द वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, इस चीज़ को हमने क्या करना है, कम करना है, ठीक है। आज भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है किसको लेके, वेल्थ, इकोनॉमिक और प्रॉपर्टी को लेके इंडिया में। एक तो इकोनॉमिक जस्टिस हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अचीव कर पाए। देन पॉलिटिकल जस्टिस की जब हम बात करते हैं, तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या बोलता है कि सारे के सारे सिटीजन के पास क्या है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, कि वो पब्लिक पॉलिटिकल ऑफिसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो अपनी गवर्नमेंट में अपनी वॉइसेस रख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद कॉम्बिनेशन जो है इन सभी जस्टिस का, इसी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, देन आल्सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज।
जो लिबर्टी के बारे में बात की गई है, इन्होंने बोला कि अगर आपको इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को अचीव करना है सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए, लिबर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ये बोलता है कि सभी के सभी सिटीजन जो है इंडिया के, उनके पास लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का है, और वो उनको कहाँ से मिलता है, उनके फंडामेंटल राइट से मिलता है, ठीक है। और जब अगर उनके साथ कोई वायलेशन हो जाती है तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो लिबर्टी जो है वो कन्विंस करती है बाय द प्रियम्बल, और फंडामेंटल राइट्स वो क्या है, एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड नहीं है, बट सॉरी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है। लिबर्टी दी जाती है लेकिन लिबर्टी छीनी भी जा सकती है कुछ हद तक, अगर कुछ हालात जो है वो बिगड़ जाते हैं तब। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन करेगा जैसे करेगा आप वैसे कर सकते हो, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इस पे लगाई जा सकती है। देन इसके बाद क्या है, और लगी भी होती है ना, कि जैसे आप पब्लिक प्लेसेस पे गाली गलौज नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेसेस पे आप ड्रिंक नहीं कर सकते, तो वो क्या है, आपके पास आपके प्रूफ है, तो लेकिन आपको क्या है, एक लिबर्टी भी आपको रिस्ट्रिक्ट की गई है कि पब्लिक प्लेसेस पे आप ऐसा नहीं कर सकते, पर्सनली आप कर सकते हो। तो वो चीज़ें इस तरीके से लिबर्टी जो है वो लोगों को दी गई है। नेक्स्ट इज द इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके के किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेजेस ना दिए जाएं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ बोला जाता है कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाए हर एक इंडिविजुअल को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये बोलता है कि तीन तरह की, तीन डायमेंशन है इक्वालिटी की, जैसे सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। कि सिविक हम कैसे दे सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में, जैसे आर्टिकल 14 के इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन अगेंस्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 की बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 जैसे बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 की बात करते हैं। उसी तरीके से पोलिटिकल इक्वालिटी को अचीव किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 325 एंड 326। तो आर्टिकल 325 क्या बोलता है कि किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं किया जाएगा, किसके बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे। और 326 बोलता है कि इलेक्शन जो होंगी लोकसभा की और स्टेट असेंबलीज की, वो किसके बेसिस पे होंगी, अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे, अडल्ट सरफेस के, ऊपर हर एक 18 ईयर्स का पर्सन जो है वो उस पर क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है इस तरीके से। और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसको क्या, यहाँ पे वो बात की है आर्टिकल 39 ऑफ द डीपीएसपी डेट के जितने भी मैन और वीमेन हैं उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास राइट है कि उनको क्या दिया जाए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दी जाए और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इक्वालिटी। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का जनरल मीनिंग क्या होता है, ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आपको प्रोवाइड करवाता है, थ्रू द सिंगल सिटीजनशिप। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि इंडिया में क्या होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, ये भी क्या बोलती है कि हर एक सिटीजन को क्या करना है, हारमनी को प्रमोट करना है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड होनी चाहिए अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज। प्रियम्बल जो है फ्रेटर्निटी को डिक्लेयर करता है एश्योर करने के लिए कि डिग्निटी रहे किसकी, इंडिविजुअल की, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी बने रहे किसकी, नेशन की, राइट। देन आर्टिकल 1 इटसेल्फ क्या बोलता है कि इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये भी किसकी बात करता है, ब्रदरहुड की बात करता है। तो दिस इज द बेसिक जो आपके की वर्ड्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया प्रियम्बल के अंदर, जो की वर्ड्स आए थे उनको। देन नेक्स्ट अब अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल की बात करते हैं। तो प्रियम्बल्स में क्या है, बेसिक फिलोसफी, फंडामेंटल वैल्यूज हैं किसकी, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेस्ड है, जैसे पॉलिटिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज एंड रिलीजियस वैल्यूज। इसमें नोबल विजन रखा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स और एस्पिरेशन जो थे फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रियम्बल जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर जार स्टिक विच वर्क कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रियम्बल जो है एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। प्रियम्बल जो है वो क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नो डाउट के पहले कहा जाता है कि प्रियम्बल जो है वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रियम्बल क्या है, पार्ट है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने एक चीज और याद रखनी है कि प्रियम्बल जो है ये एक ही बार अमेंड हुआ है अभी तक, वो हुआ था 1976 में, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, और इसके अंडर 3 वर्ड्स, डेट इज अ सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड्स जो थे वो ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, ठीक है। और हिस्टोरिक केस जो हुआ था केशवानंदा भारती केस 1973 का, इसी के अंडर ये बोला गया था कि जो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, पार्ट है किस, सॉरी प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो केशवानंदा भारती केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट इट डिस्कस इन अनदर वीडियो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एन इलेबोरेटिव वे, आई कैन डिस्कस इट विद यू, सो होप यू अंडरस्टैंड। विद एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स यू कैन मेक अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक एंड शेयर टू give me a feedback and the video is good or not, if you find according to you how you can find it, okay, keep watching, do like and share, thank you so much.